जैन कैंडिडेट्स, देखो पहला नंबर तो डरो मत ना, वो मतलब जल्दीबाजी करो। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ। अब जैसे अभी कुछ देर पहले जस्ट मुझे अभी 3:52 पे 3:57 पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 3:52 पे एक मैसेज कैंडिडेट का है, पंकज का, एयरफोर्स एग्ज़ाम रिव्यू, एयरफोर्स एग्ज़ाम पे था इनका, और हुआ होगा कभी रिव्यू, इन्होंने शेयर किया होगा मुझे पक्का। और एक ये है, ये भाई ऊपर वाला जो है, ये राज वहाँ से है, उधर से क्या बोलते हैं हम, गुजरात से, ठीक है। गुजरात का कट ऑफ वैसे भी कम जाता है, ठीक है। तो इनका SSR में हुआ है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा कैंडिडेट है, इनका भी SSR में हो गया है। अब मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, MR का भी बताऊंगा, तो परेशान मत होइएगा। सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे लेके चलता हूँ, और टेलीग्राम पे अपने मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म किया था जब मेरिट आ गया था, लेकिन फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं फाइनल का वेट कर रहा था। और एक बात और बताता हूँ, देखो SSR का भी रिजल्ट आ रहा है और MR का भी रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ये जो कैंडिडेट दुखी हो रहा है, भाई भाई मेरा भी दुखी होने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ, सिंपल सा अभी मतलब नंबर वगैरह नहीं आए, ठीक है। तो नंबर वगैरह आज की डेट में या फिर शाम तक आपको पता चल जाएंगे। इन्हें नवीन ने पहले MR का रिजल्ट दिया है, पहले MR को तो मैंने बहुत पहले अपलोड कर दिया था, ठीक है। ये देखो लगभग 12:30 बजे ही अपलोड कर दिया था, मैंने वीडियो भी कोई नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन फिर क्या, मैंने कहा चलो अब SSR का भी आ गया तो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। तो MR का उन्हीं को देखो मेल आ रहा है, जहाँ पे सिंपल सिंपल से लिखा हुआ है। SSR का भी आप देख सकते हो, सिंपल से यहाँ पे मेल मेंशन कर रखा है। तो जिनको आ रहा है परेशान मत हो, जिनको नहीं आ रहा है थोड़ा सा वेट कर लो, पेशेंस रखो, आई होप कि आपको भी आ जाएगा। अगर आ रहा है, देखो जिनको आ रहा है तो डेफिनेटली सेलेक्ट हैं, जिनका नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हो। अब जैसे कि यार अंशु भाई ये आया है बस, तो ये इनको अभी जस्ट आया है, कहाँ से हैं, किसी स्टेट से होंगे डेफिनेटली, तो इनको डेफिनेटली मेल उन्हीं के, अभी ये मेल मुझे थोड़ी आएगा, ये मेल उन्हीं के कैंडिडेट को आएगा जो इन्हें अभी ऑलरेडी सेलेक्टेड मतलब सेलेक्ट किए गए। देखो यहाँ पे और भी लड़के हैं, सचिन को अभी जस्ट आया है, SSR में हो गया, अभी अभी आया है, ठीक है। और भी होंगे यहाँ पे, SSR का है भाई, आ गया नेवी का, SSR का, ठीक है। और भी होंगे कट ऑफ पे, क्या करूँ, चलो ठीक है इनको छोड़ो, यहाँ पे हम ऊपर चलते हैं, एक सेकंड रुको, हटाओ इसे, हटाओ यहाँ पे, यहाँ पे सो SSR का रिजल्ट जो आ रहा है ना अभी, हरी और भी आपको दिखाता हूँ, अगर आपको देखना ही है ना तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। ये अपना एक ग्रुप है, यहाँ पे लड़के बात कर रहे हैं कि भैया मेरा आया है, मेरा नहीं आया, ठीक है बस। लेकिन यहाँ पे MR का भी, MR मेरा आ गया है, जिनका जिनका आ रहा है। अब यहाँ पे देखो जिनका नहीं आ रहा है मैं उनकी बात कर लेता हूँ, ठीक है, और कट ऑफ की भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। सिंपल सा है, देखो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, सारे के सारे कैंडिडेट का भाई मेरा सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, जितने भी कैंडिडेट हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए आपको पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा सा मेल, जिस क्या लिखा हुआ है, तो जिससे कैंडिडेट को पता चल जाएगा। सबसे पहले फ्रंट में लिखा हुआ है, ज्वाइन इन नेवी इंटीमेशन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ SSR MR अग्निवीर 01/2023 बैच, ओके। जैसे जो जो अपडेट होंगे वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, ठीक है। जैसे भी जो जो अपडेट होंगे वो मैं आप सभी को इन्फॉर्म करता रहूँगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम पढ़ के आपको बता देते हैं। डियर कैंडिडेट, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट यू आर प्रोफेशनली सिलेक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट इन द इंडियन नेवी फॉर अग्निवीर। पहले जो मान लो PSL होता है, मान लो इसे, ठीक है, PSL की तरह पहले आप सिलेक्ट कर लिए को इंडियन नेवी अग्निवीर SSR MR में 01/2023 बैच के लिए। योर इनरोलमेंट इज सब्जेक्ट टू क्लियरिंग डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन एंड वेरियड टेस्ट इंक्लूडिंग मेडिकल स्क्रीनिंग एंट्री बिहेवियर टेस्ट ETC। अभी आपके ये टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। वैसे ये सब ऐसे ही है, मान लो स्क्रीनिंग टेस्ट में बता दूँगा क्या है, ठीक है। द कॉल ऑफ लेटर फॉर रिपोर्टिंग चिल्का वुड बी अपलोडेड ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल .. रिपोर्टिंग द कैंडिडेट चिल्का इज बींग शेड्यूल्ड बिटवीन दोनों, मतलब कि जून में आपका रिपोर्टिंग यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, जून में आपका यहाँ पर रिपोर्टिंग रखा गया है, 9 जून 2023, थोड़ा सा कम समझ में है, चलो। फर्दर द ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन वगैरह हमें ऑफिशियल पे मेंशन कर दिए जाएंगे, तो ये मेल के थ्रू हमें बताया गया था। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ कट ऑफ का, स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगा। SSR की अगर हम बात कर लेते हैं, गर्ल्स का कट ऑफ अलग जाएगा, बॉयज़ का कट ऑफ अलग जाएगा, मिस गर्ल्स कैंडिडेट का अलग जाएगा, मेल कैंडिडेट का अलग जाएगा, फीमेल कैंडिडेट का अलग जाएगा। उसमें अब किस स्टेट का कितना जाता है, डेफिनेटली अगर किसी का हरियाणा जैसे स्टेट से अगर आया हो तो डेफिनेटली कॉमेंट में बताइएगा, क्योंकि सबका वैसे भी सिलेक्शन होने से रहा, जितने भी कैंडिडेट का होगा उनको हम जरूर इन्फॉर्म करते रहेंगे आपको टेलीग्राम पे, थोड़ी थोड़ी देर में स्टेट भी बताते रहेंगे कि किस स्टेट से हुआ। तो डेफिनेटली और जो आपके डाउट आ रहे हैं बताइएगा, मैं आपको कुछ रिजल्ट एंड अपडेट्स यहाँ पे देता रहूँगा टेलीग्राम पे। अभी एग्जैक्ट डेटा और कट ऑफ की अगर बात करूँ तो शाम तक वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ का कितना कट ऑफ जा सकता है, और जो वो आया था वो ऑफिशियल ही है। तो टेंशन और परेशान दोनों बिल्कुल मत हो, बाकी ध्यान रखो, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।